बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से दे दें आपको, अमृतपाल सिंह मामले को लेकर ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अमृतपाल सिंह को लेकर आपको बता दें कि मामले में पंजाब हरियाणा कोर्ट में सुनवाई, पंजाब पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। अमृतपाल के कई साथियों का कोई सुराग नहीं। मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी, 11 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। अमृतपाल गिरफ्तारी के दावे वाली याचिका पर सुनवाई हुई। साथ ही आपको बता दें चंडीगढ़ से बड़ी खबर, अमृतपाल सिंह मामले में सुनवाई हुई है, पंजाब पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। अमृतपाल के कई साथियों का कोई सुराग नहीं लगा है। मामले में अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होनी है और साथ ही अमृतपाल की गिरफ्तारी के दावे वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी, 11 अप्रैल को निर्धारित किया गया है अगली सुनवाई को लेकर। देखना होगा कि अब अगली सुनवाई में क्या कुछ देखने को मिलेगा। अमृतपाल गिरफ्तारी के दावे वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई। अहम सुनवाई ये रही क्योंकि अमृतपाल लगातार फरार है, छिपता छिपाता पुलिस से वो फिर रहा है। हाल ही में एक वीडियो भी उसका सामने आया था, वो वीडियो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप इस समय देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भेष बदलता हुआ, अपना भेष बदलता हुआ अमृतपाल जो है वो दर बदर इस समय ठोकरे खा रहा है ताकि किसी तरीके से वो बच सके पुलिस से। 4 से 5 राज्यों की पुलिस जो है इस समय अमृतपाल के पीछे लगी हुई है ताकि उसे हर हालत में पकड़ा जाए। तो हरसिमरत पोल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए फोन लाइन पर। हरसिमरत, आज सुनवाई हुई है, क्या कुछ ताजा अपडेट सुनवाई को लेकर जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हुई? जी बसंत, आपको बता दें कि आज एक बार फिर से अमृतपाल मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा अमृतपाल की गिरफ्तारी के दावा करने वाली याचिका पर भी सुनवाई आज हुई है और इस दौरान पंजाब के जो एडवोकेट जनरल हैं विनोद घई, उन्होंने अमृतपाल के वकील से कहा है कि वो सबूत दें कि अमृतपाल कस्टडी में है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अमृतपाल के वकील के द्वारा हैबियस कॉर्पस डाली गई थी और उसमें उन्होंने दावा किया था कि गुप्त जो है उनके अमृतपाल को रखा गया है और उनको गिरफ्तारी की गई है, जिसको लेकर के उन्होंने पिटीशन डाली थी। इस पर भी आज कार्रवाई हुई है, सुनवाई हुई है। तो इसमें जो एजी है विनोद घई, उन्होंने अमृतपाल के वकील से कहा है कि वो सबूत दें कि अमृतपाल पुलिस की कस्टडी में है। इस पर हाईकोर्ट ने इस मामले में अमृतपाल के वकील को एफिडेविट देने के लिए कहा है कि वो जल्द से जल्द इस बात का एफिडेविट दाखिल करें कि उन्हें पता है कि अमृतपाल कहीं ना कहीं कस्टडी में है। इसके अलावा पंजाब पुलिस के आईजी से भी एफिडेविट मांगा गया है कि अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है और इस मामले में अगली कार्रवाई जो है वो 11 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि 18 मार्च से एक ऑपरेशन शुरू किया गया था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब सरकार के द्वारा मिलकर किया गया था। अमृतपाल को ढूंढा जा रहा था उसकी गिरफ्तारी के लिए। ये हरसिमरत, बिल्कुल हरसिमरत, हम सुनने में आता है पिछले 4 से 5 दिनों से भी खबरें सामने आ रही कि अतीक ये जो अमृतपाल है वो फरार है, लेकिन अब बात सामने आई कि पता है कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस की कस्टडी में हो सकता है, तो मामला पेचीदा सा होता जा रहा है, स्थिति कुछ साफ नहीं हो रही है हरसिमरत। जी बिल्कुल, आपको बता दें बसंत कि जब पिछली बार ये एक साझा ऑपरेशन जो था सेंटर की एजेंसी और पंजाब पुलिस के द्वारा किया गया था, तब तकरीबन 80,000 के करीब जो पुलिस वाले हैं या हम कहें कि जो सेंट्रल एजेंसी और पंजाब पुलिस के जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर पहुंचे थे, जिनका एक ट्रैप लगाया गया था अमृतपाल को पकड़ने के लिए, और 80,000 पुलिसकर्मी होने के बावजूद अमृतपाल जो है वहां से भाग गया था और हाईकोर्ट ने भी इसे इंटेलिजेंस का फेलियर बताया था। साथ में फटकार लगाई थी पंजाब सरकार को कि अगर अमृतपाल देश के लिए खतरा था तो वो पकड़ा क्यों नहीं गया, इतनी बड़ी गिनती में पुलिस मुस्तैद होने के बावजूद वो कैसे बचकर निकल गया। तो इसके बाद अमृतपाल के वकील ने हैबियस कॉर्पस लगाई थी और उन्होंने ये शक प्रगटाया था कि कहीं ना कहीं अमृतपाल को पुलिस की कस्टडी में रखा गया है, पर अभी तक जो है उसके बारे में बताया नहीं जा रहा। जी बसंत, ठीक है हरसिमरत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अमृतपाल गिरफ्तारी के दावे पर याचिका पर सुनवाई हुई है, अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी, 11 अप्रैल की तारीख को अगली सुनवाई के रूप में निर्धारित किया गया है।